हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये इंजीनियर ड्राइंग की है आई टी आई ईयर वालों के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की क्लास में आपको करवाने वाला हूं फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है ना मैंने आपको हाफ वेयर रेक्टिफायर फुल वेयर रेक्टिफायर और आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं करवाने वाला हूँ आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में है ना फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ना इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपको बनवाने वाला हूं। अब ये डायग्राम आपके दो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे पहला जो पॉइंट आपका क्लियर होएगा यहाँ से एक तो आपका जो एग्जाम एग्जामेशन ये बनेगा तो आप इसको भी कर दोगे और दूसरा क्या आता है आपका प्रैक्टिकल में सवाल पूछते हैं ना तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी ठीक है तो ध्यान से क्लास को पूरी देखना और अगर आपको इसका सिलेबस या फिर प्रीवर पेपर चाहिए या फिर इसका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपको लगाने हैं ड्रॉइंग वगैरह तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह अपने ट्रेड के रिलेटेड और अगर आपको पी वगैरह चाहिए प्रीवियर पेपर चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे ठीक है तो वहीं से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो भाई आज की मैं इस क्लास को शुरू करता तो हूँ सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि मुझे ऐसी सोर्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसी सोर्स जैसे कि मैंने वाले बताया था यानी कि ट्रांसफार्मर यहाँ से सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा उसके बाद देखिए वैसे तो सबको सेम ही होता है आपको फ्री हैंड स्केचिंग में कुछ मापने मापने की जरूरत नहीं करनी सिंपल है आपको सिर्फ़ एक स्केल लेना है स्केल की मदद से मतलब इतना होना चाहिए कि आपके जो है आप लोग जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सीधा बने मेरा मतलब है थोड़ा सा एग्जामिनर को भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे तो इस प्रकार से आपको ये ड्रॉ करना है है ना आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सीधा है ना क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सीधा ही बनाऊँगा तो अगर वीडियो में आपको थोड़ा बहुत तिरछा विरचा दिखे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना चलिए तो मैं सबसे पहले ड्रा करता हूँ भाई साहब यहाँ पर अपना मैं ड्रॉ करता हूँ तो सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा देखिए आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं और आप डायरेक्टली भी इसको ट्रांसफार्मर जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है लाइनें खींच करके ट्रांसफार्मर आप ड्रॉ करना जानते होंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था और इस प्रकार से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं स्केल की मतलब जितना लोगे तो, तो, तो बेनिफिट आप आपके समझ में आ ही चुका होगा अब मुझे यहाँ पर भैया ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर डायोड है ना अब मुझे डायोड यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे अब देखिए चार डायोड इसमें यूज़ होंगे है ना चार डायोड अब की बारिश में यूज़ होने वाले पिछले जो हमारा फुलवेर रेक्टिफायर था उसमें दो डायोड यूज़ हुए थे लेकिन ब्रिज में थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है इसमें हम यूज़ करते हैं पूरे चार डायोड है ना चार डायोड इसमें भैया यूज़ होते हैं और इस प्रकार से मैंने ये लाइन यहाँ से मैंने खींच दी उसके बाद ये जो आपको सा बनाना पड़ेगा और उसे त्रिभुज में आपको चार डायोड बना देने हैं जिसको मैं नाम देता हूँ D1 ये मेरे पास हो जाएगा D2 और ये मेरे पास हो जाएगा D3 और ये मेरे पास हो जाएगा D4 तो चार डायोड मैंने इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा ठीक है और मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ कर दिया अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर लोड की तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस वाले पॉइंट से है ना लोड रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अब अब यहाँ से जो मेरे पास करंट आएगा इस प्रकार से जैसे जैसे मैं आपको करंट के डायरेक्शन में भी बताऊँगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर करंट मतलब चलेगा है ना कौन सा डायोड से कैसे बस ये समझ लो कि करंट ऐसे चलेगा ऐसे इस प्रकार से ना कि ऐसे उल्टा नहीं चलने वाला वो चलेगा तो सिर्फ ऐसे चलेगा ऐसे 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 निकल के यहाँ से आता आता फिर इस वाइंड से रोड वाइंडिंग से निकल के रसिस्टेंट से निकल के और मैं बताऊँगा कहाँ से जाएगा मतलब पूरा डिटेल में भी रुके रहना थोड़ा सा आपको समझा भी दूँगा ठीक है और प्रैक्टिकल में रही बात प्रैक्टिकल में आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी भी मांगेगा वो लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ बोलेगा कि आपको सिर्फ ड्रॉ करना है और प्रैक्टिकल में इसका आपके पास थ्योरी भी मांगेगा वो किसकी थ्योरी भी आपको लिखनी है लेकिन सब कुछ बता दूंगा मैं आप अभी तो फिलहाल हम ड्राइंग के हिसाब से लेकर चल रहे हैं प्रैक्टिकल के अगर आप डायग्राम आ गया तो थ्योरी भी आप बड़े आराम से इसकी बता दोगे है ना कि कहाँ कहाँ से करंट फ्लो होगा कैसे होगा कौन कौन से पॉइंट्स से होकर गुजरेगा तो इस प्रकार से छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वही आपसे वो पूछने वाला ज़्यादा कुछ मोटा फंडा नहीं है इसमें ना तो ध्यान रखना मेरी बात को क्लियर तो यहाँ से ला करके अब इस प्रकार से और ऐसे हो जाएगा क्लियर है ना अच्छा अब अब हम बात करते हैं भैया इसको मैं आर एल नाम दे देता हूँ जैसे कि मैंने बताया था आपको आर एल ठीक है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए सी सोर्स है ना इनपुट हो जाएगा मेरे पास इस प्रकार से ए सी इनपुट ये सिंबल किसका है ए सी इनपुट का क्लियर है ना इतना क्लियर है और अगर हम बात करें इसको इसको मैं नाम देता हूँ ए सिरा ए पॉइंट इसको मैं नाम दूंगा बी इसको मैं नाम दूंगा क्या सी और इसको मैं नाम दूंगा डी क्लियर है दिशा मैंने यहां पर निर्धारित कर दी है देखिए करंट यहां, यहां से स्टार्ट होगा फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे, जाएगा, फिर ऐसे और इस वाले टर्मिनल से निकलेगा निकल सीधा यहां पर पहुंच जाएगा है ना तो ये इस प्रकार से करंट के हम डायरेक्शन को यहां पर निर्धारित कर सकते हैं ठीक है यहां पर वोल्टेज लिखना चाहो लिख सकते हो दो वोल्ट जितने भी आप लोग लिखना चाहे और पचास हट भी निकल सकते हो जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है तो उस प्रकार से अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो इसका कोई चक्कर नहीं है ठीक है तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया है ठीक है क्या ये मेरे पास क्या है फुल वेव प्रिज रेक्टिफायर, है ना इसका आप नाम ऐसे लिख सकते हो यहां पर जब जैसे आप लोग बना देंगे सीट पर तो आप लोग इसका इस प्रकार से फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, है ना ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टी फायर ठीक है इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा ठीक है जैसे जैसे देखिए सिंपल तरीका है जैसे मैंने आपको बना कर देखा है ऐसी प्रकार से आप इसको बना सकते हो डायरेक्शन आप लोग इसको बता सकते हो और रही बात इसको और वे में समझाने की अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फिर इसका डीपली वीडियो भी ले में लेकर आ जाऊँगा जिसमें मैं आपको मतलब थोड़ा सा आ, सिंपल वे में समझा दूँगा और ज़्यादा डीपली ठीक है अगर डीपली समझना तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर ठीक है तो चलिए मुझे आपकी क्लास में आपको यही जानकारी देती देनी थी अगर आप इसमें अर्थिंग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो वैसे ज़रूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से कनेक्ट हो चुका है और सिस्टम ये पूरा का पूरा मैंने डायग्राम आपको बता दिया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में ठीक है इस प्रकार से आप अपना एग्ज़ाम में इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप देखिए मेरे पास मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर बता दिया है उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था फुलवेयर एक्टिफायर तीसरा मैंने बताया ब्रिजर एक्टिफायर तो तीनों रेक्टिफायर मैंने आपको यहाँ पर ड्रो करके दिखा दिए हैं तो तीनों वीडियो आप लोग जरूर देख लेना अब अगला जो मैं बात करूंगा मैं वाइंडिंग आपके लिए लेकर आ सकता हूँ जो अगली क्लास होगी उसमें मैं वाइंडिंग करवाऊंगा क्योंकि वाइंडिंग आपके एग्जाम में पूछता है हुआ है ना अब कैसी होंगी मैं आपको बताऊंगा ठीक है फिक्र मत करना तो चलिए आज की क्लास में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी क्लास अच्छी लगी तो भाई एक लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो चलिए फिर आज की मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही धन्यवाद